नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की खबर मधेपुरा से। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में प्रखंड अंतर्गत SS 91 से गंगापुर भाया बेलही तक जाने वाला मुख्यमंत्री ग्राम सड़क 7 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। जी हां, इस सड़क की कुल लंबाई करीब 5.5 किलोमीटर है, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपए थी। इस सड़क का काम अप्रैल 2015 में ही शुरू हुआ था। बता दें कि सड़क किनारे जंग खा चुकी बोर्ड की लिखावट बताती है कि इस सड़क को अप्रैल 2016 तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन ना अब तक यह सड़क नहीं बन पाई। लोग पांव पैदल या छोटे छोटे नदी पर बनी चचरी के सहारे पार करते हैं। बता दें कि लोग कई बार इस सड़क की शिकायत अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब शिकायत स्थानीय सांसद के पास पहुंची तो वे कार्रवाई का भरोसा देते हैं। रोड के बन है, मतलब ठेकेदार कतए गए नहीं गए, चलें फिर में दिक्कत है छे, पानी छे, पुला छे, धार छे, कल के पुला देवे धार में पुलो नहीं पड़ल है, रास्ता में पुला पड़ल है, वहीना छे। जहाँ पानी आबे छे त अबरी दू गो घटना तीन गो भए गेलै, लोग डूब गेलै। ये ठेकेदार सुनै छियै भाग गेलै, छोड़ि छाड़ि के नहीं बना रहल छै। हमरा के एते परिश्रम होइ छै निकले में बाहर कि जब पानी आवे छे तो हमरा के 6-6 महीना नहीं यदि नहीं पारे। ओ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो ठीक। ओ अभी अच्छा कॉम्पी रंग जना है छे। अच्छा अच्छा, नहीं बढ़िया, धन्यवाद थोड़ा फिर सा। अभी जानकारी तो अभी हमको मिली है, पहले जानकारी होते तो उसके लिए और पहले पहल किया जाता, लेकिन इसमें दिक्कत यह हो गया कि जो सड़क का टेंडर वगैरह निकलता है और बाहर से लोग आ जाते हैं और उस दूसरे दूसरे राज्य के भी संवेदक रहते हैं, तो वो आके यहाँ स्थानीय लोगों को काम देके मिट्टी वगैरह की राशि जो होती जो निकलता है मिट्टी के काम का, तो बहुत एजेंसी है कि वो उसी को लेके भाग गया। बाद में उस पर जांच हुआ तने उसका बैंक गारंटर गारंटी जो देता है वह सही है, कोई पेपरे उसका नहीं मिला, तो बहुत लोग भाग गया। तो हम समझते हैं कि इसमें लापरवाही जो मुख्यालय है पटना और उसी के स्तर पर हुआ, उसमें यह भी हुआ कि कई सड़क को मिला के ग्रुप बना दिया गया और उसके चलते भी असुविधा हुई बनने में। इस सड़क की आप बात करते हैं, जानकारी आप दे रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। पहले दिए होते तो इसमें आगे हम जाएंगे तो इसके लिए लिखेंगे ग्रामीण विकास को वहाँ पटना में कि इसमें कौन कारण से नहीं हुआ।